हेलो एवरीवन, आई एम साकेत वाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बेसिकली कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा था, और उसमें हम लोगों ने पुलिस के बारे में भी देखा था, है ना, मल्टीपल पुलिस भी इन्वॉल्व थे वहां पर। तो उसी डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, और एक चीज एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जो कि है मूवेबल वेज। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग पहला सवाल देख पा रहे हैं, अपने को दो वेजेस दिए हुए हैं, है ना, यहाँ पर दो दो वेजेस हैं, एक का मास स्मॉल एम है और एक का मास कैपिटल एम है। आपको दिखाई ये दे रहा होगा कि जो कैपिटल एम मास वाला वेज है, वो आप फील कर पा रहे होंगे अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से कि ये सिर्फ और सिर्फ जा सकता है तो नीचे जा सकता है, राइट। और इसी तरीके से आप फील कर सकते होंगे कि ये जो स्मॉल एम मास वाला वेज है ना, ये टूवर्ड्स लेफ्ट जा सकता है, राइट। तो उसी के ऊपर बच्चों देखिए सवाल यहां पर बेस्ड है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ टू वेजेस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। तो चलिए इस सवाल के थ्रू हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बच्चों, आप देख पा रहे होंगे मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया है, जिसमें लेटर से कि ये जो कॉन्टैक्ट वाला रीजन है ना, वो मैंने यहां पर दिखाने की कोशिश करी है। वो कॉन्टैक्ट वाला रीजन देखिए बेसिकली 30 डिग्री बना रहा है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, और साथ ही साथ यहां पर देखिए कैपिटल एम का एक्सेलरेशन, मान लीजिए कि मैंने अज्यूम करा कैपिटल ए नीचे की तरफ, उसी तरीके से स्मॉल एम का एक्सेलरेशन मान लीजिए मैंने अज्यूम करा स्मॉल ए टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये जो सरफेस है ना, जिसको मैंने यहां पर ड्रॉ करा है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी ना, आप समझ सकते हो कि यही वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन के अलोंग क्या लग रहा है, एक दूसरे पर ये दोनों क्या लगा रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं, है ना। मतलब ये दोनों एक दूसरे पर इस डायरेक्शन के अलोंग क्या लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। तो वही वाली डायरेक्शन देखिए मैंने यहां पर शो करी है। तो अब आप देखिए, चलिए स्मॉल एम को पहले देखते हैं। स्मॉल एम का नेट एक्सेलरेशन टूवर्ड्स लेफ्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस एक्सेलरेशन का एक कॉम्पोनेंट होगा अलोंग दिस नॉर्मल, समझ पा रहे हैं आप। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल 30 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं देख पा रहा हूं कि स्मॉल ए का एक कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा अलोंग द नॉर्मल, जो कि कितना हो जाएगा, ए कॉस 60 डिग्री। आई थिंक आप भी सहमत होंगे। अब देखिए यहां पर ये जो कैपिटल एम मास का वेज है ना, इसका एक्सेलरेशन मैंने नीचे की तरफ ए माना, जिसका कॉम्पोनेंट इस नॉर्मल डायरेक्शन के अलोंग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल ए कॉस 30 डिग्री, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कि अगर ये दोनों एक दूसरे को धक्का लगा रहे है ना, इफ दे आर पुशिंग ईच अदर, इसका मतलब दोनों कॉन्टैक्ट में है, सीधी सी बात है, और इस डायरेक्शन के अलोंग ही ये दोनों क्या है, एक दूसरे को धक्का लगा रहे हैं, राइट। तो इसके अलावा देखिए, इस डायरेक्शन के अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात करेंगे, तो आप देख पा रहे हो कि इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग है ना, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, इसके अलोंग क्या हो रहा है, इसके अलोंग स्लिपिंग हो रही है ना, देर इज सम स्लिपिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, है ना। लेकिन ये जो ग्रीन वाला डायरेक्शन है ना, जिसके अलोंग मैंने नॉर्मल रिएक्शन शो करा है, तो इस डायरेक्शन के अलोंग क्या है, कोई भी यहां पर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होगा। मतलब कि स्मॉल एम जिस रेट से नॉर्मल के अलोंग भागने की कोशिश कर रहा है, उसी रेट से कैपिटल एम भी क्या कर रहा होगा, इस कैपिटल ए का एक एक्सेलरेशन का कॉम्पोनेंट आएगा इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिससे ये इसका पीछा कर रहा होगा। आप सोचिए कि अगर इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होता, तो क्या कभी भी यह संभव होता कि दोनों एक दूसरे को धक्का लगा पा रहे होते, तब तो गैप क्रिएट हो गया होता ना यहां पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस रेट से स्मॉल एम इस पर्टिकुलर नॉर्मल की डायरेक्शन में भाग रहा है, उसी रेट से कैपिटल एम भी इस नॉर्मल के अलोंग भागेगा। तो इसका मतलब ए कॉस 60 डिग्री हैज टू बी इक्वल टू कैपिटल ए कॉस 30 डिग्री। तो हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल टू द सरफेस दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन पैरेलल टू द सरफेस यहां पर बिल्कुल क्या होगी, स्लिपिंग होगी, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से उसका एक कॉम्पोनेंट इस तरफ है, और ये स्मॉल एम टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, जिसकी वजह से उसका एक कॉम्पोनेंट इस तरफ है। तो ये तो पक्की बात है कि पैरेलल टू द सरफेस
क्या है, देर इज ऑब्वियसली स्लिपिंग बट नॉट नॉर्मल टू द सर्फेस. ठीक है, तो यहां से जो अपने को रिलेशन चाहिए था वो बड़े आसानी से आ जाएगा. a cos 60 मतलब a by 2 has to be equal to capital A multiplied by cos 30 होता है root 3 by 2. तो basically अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया small a upon capital A is equal to root 3. क्लियर ये बात? तो बच्चों इसी आंसर को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, acceleration of small m divided by acceleration of capital M is equal to कितना आ जाएगा, root 3. और बच्चों यही हमारा final answer हो जाएगा. क्लियर है? चलिए बच्चों, तो सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी हैव जस्ट डेल्ट, एक और सवाल देखते हैं. सवाल है, इन द अरेंजमेंट शोन द वेज इज स्मूथ एंड हैज अ मास कैपिटल एम, द स्फीयर हैज अ मास स्मॉल एम, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द पोजिशन शोन, देर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज एंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द वॉल एंड द स्फीयर. तो देखिये यहां पर आपको जो स्फीयर दिख रहा है ना, ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा. बेसिकली बात ये है, क्योंकि सब कुछ यहां पर कैसा है, स्मूथ है ना, कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है. तो ये जो स्फीयर है ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा एंड इट इज प्रिटी ऑब्वियस कि ये जो वेज है वो टुवर्ड्स लेफ्ट खिसकेगा. क्लियर है ये बात? तो यही यहां पर एक तरीके से कंस्ट्रेंट रिलेशन है ना, कि द स्फीयर इज कंस्ट्रेंट टू मूव डाउनवर्ड एंड द वेज इज कंस्ट्रेंट टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट. तो देखिए बच्चों, पिछले सवाल में जैसे मैंने अप्रोच लगाई थी वैसे ही अप्रोच मैं इस बार भी लगा रहा हूं. मुझे पता है कि स्मॉल एम नीचे ही जा सकता है तो उसका एक्सेलरेशन मैंने स्मॉल ए कह दिया, कैपिटल एम लेफ्ट की तरफ जा सकता है तो उसका एक्सेलरेशन मैंने कैपिटल ए कह दिया. अब देखिए ये मैंने डायरेक्शन शो करी है जिसके अलॉन्ग दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन. तो बच्चों अगेन हम लोग वही बात कह सकते हैं क्या, कि अगर ये एंगल जैसे कि थीटा है तो इसको भी थीटा होना पड़ेगा. अब जो नॉर्मल है उसी के अलोंग ये दोनों क्या लगा रहे हैं, है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन है तो इस डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं. तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि ए का कौन सा कंपोनेंट, कैपिटल ए का साइन थीटा कंपोनेंट को बराबर होना पड़ेगा किसके, स्मॉल ए के कॉस थीटा कंपोनेंट के, है ना, तभी ये दोनों क्या रहेंगे, कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं. ठीक है, तो अब देखिए जरा, ये तो हमने रिलेशन निकाला लेकिन इस बार बच्चों सिर्फ रिलेशन नहीं पूछा गया था, है ना, इसके अलावा हमसे और क्या पूछा गया है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है ना. सवाल आइए आपको दिखाता हूं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द वॉल एंड द स्फीयर, है ना. तो ये दीवार जो है वो इस पर जो लेफ्ट की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी ना, वो भी हमसे पूछा गया है. तो चलिए, मैंने आपको बताया था कि चाहे कैसा भी सवाल हो, कितना भी डरावना दिखे, फ्री बॉडी डायग्राम हमारे मदद करने के लिए जरूर आती है. तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. किसका बनाया जाए पहले, चलिए मैं स्फीयर का सबसे पहले बनाता हूं. ठीक है, तो देखिए बच्चों मैंने यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया किसका, स्फीयर का. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वॉल की वजह से, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वेज की वजह से, और एक धरती इसे खींचेगी नीचे की तरफ. तो यहां पर मैंने यहां पर ये तीनों फोर्सेस दिखाए, है ना, यहां पर स्मॉल एम इसका मास था तो स्मॉल एम जी इस पर लगने वाला वेट होगा. ठीक है, अब आप देखिए कि हमने क्या सोचा था, हमने ये सोचा था और बिल्कुल सही भी सोचा था कि एक्सेलरेशन इसका होगा और वो किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, और उसको मैंने स्मॉल ए कहा था. तो अब आप देखिए यहां पर, अगर इस पर इसका एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के जो फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा. तो यहां पर सबसे पहले हम लोग एंगल्स निकाल लेते ना, जैसे कि ये एंगल थीटा है, राइट, ये एंगल थीटा था तो अपने को ये समझ में आ गया कि ये एंगल भी थीटा होगा और इसके थीटा होने की वजह से ये एंगल को भी थीटा होना पड़ेगा. तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को देखें तो नीचे लग रहा है mg, ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर लग रहा है n का cos थीटा कंपोनेंट एंड दिस शुड बी इक्वल टू स्मॉल m इंटू a, है ना. उसके अलावा और क्या कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि एक्स के लॉन्ग नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तभी तो ये एक्स के लॉन्ग कोई भी इसके एक्सेलरेशन नहीं है ना इसके पास. तो लेफ्ट की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, एन डब्ल्यू. राइट की तरफ कितना लग रहा है, एन का कौन सा कंपोनेंट, आप देखिए एन का साइन थीटा आ जाएगा. तो यहां लिख देता हूं एन साइन थीटा. क्लियर है ये बात? इसके अलावा बच्चों अगर मैं वेज की बात करूं तो इसका एक्सेलरेशन हम लोगों ने क्या डिसाइड करा था कि किधर होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा टूवर्ड्स लेफ्ट, है ना, और उसको मैंने कैपिटल ए कहा था. तो हम लोग इसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं,
एक्स एक्सिस के अलोंग इस पर एक ही फोर्स लग सकता है और वो है एन का कौन सा कॉम्पोनेंट, साइन थीटा, है ना। दिस हैज टू बी इक्वल टू कैपिटल एम इन टू कैपिटल ए। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास किसकी वजह से, वेज की वजह से, क्लियर है। तो अब देखिए बच्चों, हमारे पास ये टोटल तीन इक्वेशंस आ गई हैं और चलिए मिलकर के इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पहली इक्वेशन है n sin थीटा बराबर कैपिटल m into a, है ना। तो अननोन कितने सारे हैं एक बार जरा गिन लेते हैं। एक तो कैपिटल n है, एक कैपिटल a है, फिर एक स्मॉल a है और एक nw है। मतलब अपने को एक और इक्वेशन की जरूरत है और मैं आपको याद दिला दूं कि हमने वो इक्वेशन निकाल रखा है ना। वो कौन सी इक्वेशन थी, कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो ये देखिए बच्चों, हमारी हेल्प करने के लिए ये चौथी इक्वेशन, दैट इज कंस्ट्रेंट रिलेशन वाली इक्वेशन जो है वो भी आ गई, है ना। अब अपने को दिख रहा है कि चार अननोन है और इक्वेशन भी चार है, तो इजिली ये सॉल्वेबल होना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे शुरुआत करी जाए। चलिए मान लेते हैं कि मुझे निकालना है लेट अस से कि एन डब्ल्यू, है ना। मान लीजिए मैं एन डब्ल्यू निकालना चाहता हूं, तो एन डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा। तो इसका मतलब मैं सबसे पहले n की वैल्यू बोल दूंगा कि कितनी है, एन डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा। अब जहां भी मुझे n दिखेगा मैं उसकी वैल्यू क्या रख दूंगा, एन डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा, क्लियर है। तो जैसे कि हमारे पास जो सबसे ऊपर वाली इक्वेशन है n साइन थीटा, उसको क्या लिख दूंगा, एन डब्ल्यू, क्योंकि अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो गायब हो गया। तो एन डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल m इंटू a, क्लियर है। अब जो दूसरी इक्वेशन है ना, mg माइनस n cos थीटा बराबर स्मॉल m इंटू a, उसका यूज करते हैं। स्मॉल m इंटू g माइनस n को क्या लिख दें, n को लिख देंगे एन डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा इंटू यहां आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू a, क्लियर है ये बात। तो अब देखिए जरा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, है ना, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं, तो देखिए कैपिटल a अपॉन स्मॉल a ये कितना आ जाएगा, कैपिटल a अपॉन स्मॉल a देखिए इस वाली इक्वेशन से आ जाएगा कॉट थीटा, क्लियर है ये बात। तो चलिए यूज करते हैं इसका, तो हमारे पास आ जाएगा एन डब्ल्यू अपॉन एम जी माइनस एन डब्ल्यू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल m अपॉन स्मॉल m कॉट थीटा, क्लियर है। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाता है, यहां से आ जाएगा स्मॉल m एन डब्ल्यू इज इक्वल टू कैपिटल m कॉट थीटा इंटू स्मॉल एम जी माइनस एन डब्ल्यू कॉट ऑफ थीटा, क्लियर है। तो निकालना अपने को एन डब्ल्यू है, तो एन डब्ल्यू वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, है ना। तो यहां से आ जाएगा एन डब्ल्यू और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, स्मॉल m, और इधर ये कितना आ जाएगा, प्लस कैपिटल m कॉट स्क्वेयर थीटा, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी इंटू कैपिटल m इंटू कॉट ऑफ थीटा, क्लियर है। तो यहां से देखिए अपने पास एन डब्ल्यू कितना आ गया, ये आ जाएगा कैपिटल m स्मॉल m जी कॉट थीटा होल डिवाइडेड बाय, कितने से डिवाइड कर दें, स्मॉल m प्लस कैपिटल m कॉट स्क्वेयर थीटा। इसके अलावा बच्चों देखिए, अपने को क्या चाहिए था, एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, मतलब कि अपने को कैपिटल a भी चाहिए था, है ना। तो कैपिटल a कैसे निकाले भाई, तो कैपिटल ए के लिए देखिए अपने पास ये इक्वेशन है ना, एन साइन थीटा बराबर कैपिटल एम इंटू ए, और एन साइन थीटा एन डब्ल्यू ही तो है। तो बेसिकली कैपिटल ए क्या हो जाएगा, एन डब्ल्यू अपॉन एम। तो कर देते हैं ये काम, एन डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कौन सा एम था, ये चेक कर लेते हैं, एन डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम था, है ना। यहां पर कैपिटल एम भर देंगे तो ये बेसिकली बन जाएगा कैपिटल ए। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम जी कॉट थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस m कॉट स्क्वेयर थीटा। इसको बच्चों लिखने का एक और तरीका हो जाएगा, कैपिटल a बराबर हम लोग और क्या लिख सकते हैं, अगर मैं पूरी इक्वेशन को कॉट थीटा से डिवाइड कर दूं, मतलब यहां भी कॉट थीटा और इधर भी क्या कर दूं, मैं कॉट थीटा से डिवाइड कर दूं, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम जी डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये m अपॉन कॉट थीटा, मतलब m टैन थीटा, और ये कितना रह जाएगा अगला टर्म, प्लस कैपिटल m कॉट थीटा, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल a आ गया, जो कि कितना है, स्मॉल m g अपॉन स्मॉल m tan थीटा प्लस कैपिटल m कॉट थीटा। और इसके अलावा बच्चों अपने को nw चाहिए था, तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया, ये रहा हमारा
NW. तो इस तरीके से बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने पूरे के पूरे सवाल को बड़े आराम से निपटा डाला. ऑलराइट, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं. अगला सवाल है, अ प्लैंक ऑफ मास स्मॉल m रेस्ट सिमेट्रिकली ऑन टू वेजेस कैपिटल Q एंड कैपिटल R ऑफ मास कैपिटल m ईच. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक? तो बच्चों सबसे पहले एनालाइज करते हैं. यहां पर सब कुछ जो है ना फ्री टू मूव है. जैसे कि आपको एनालाइज कर पा रहे होंगे आप कि ये जो हमारे पास प्लैंक है ये सिमेट्रिकली रखा है ना, जिसकी वजह से इसके लिए लेफ्ट और राइट दोनों ही डायरेक्शंस क्या है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है. तो अगर ऐसी सिमेट्री हमारे को दिखाई दे रही है तो वी कैन क्लियरली से कि ये जो प्लैंक है वो नीचे ही गिर सकता है ना, इधर नहीं जा सकता है, इधर नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शंस क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिक है. तो अगर इसका एक्सेलरेशन सिर्फ नीचे की तरफ है तो इसे हम लोग बोल देते हैं स्मॉल ए. अब सिमेट्री अगेन हम लोगों को हेल्प करेगी ये बताने में कि जो वेजेस हैं यहां पर उनके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होना है, सेम होना है. जैसे एक आर जो है अगर राइट की तरफ जाएगा कैपिटल ए एक्सेलरेशन से, तो कैपिटल क्यू इसको लेफ्ट की तरफ जाना होगा उतने ही मैग्नीट्यूड से. क्लियर है ये बात? तो ये तो हम लोगों ने पता लगा लिया. अब कंस्ट्रेंट रिलेशन पता लगाते हैं स्मॉल ए और कैपिटल ए में. ठीक है, तो बच्चों फिर से वही काम करेंगे हम लोग. जैसे कि यहां पर एंगल जो है ये थीटा है, एक्चुअली ये गिवन है क्वेश्चन में. तो अगर यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये थीटा है ना, तो ये वाला एंगल भी थीटा होना पड़ेगा. अब मैंने क्या देखा, मैंने इसको मान लीजिए ये जो क्यू है ना, ये वेज जो है ना वो लेफ्ट साइड में क्यू वाला है और ये प्लैंक यहां पर पी है ना. तो हमारे को ये चीज समझ में आ रही है कि क्यू लेफ्ट की तरफ जाएगा ए एक्सेलरेशन से कैपिटल ए से, और जो प्लैंक है वो नीचे की तरफ जाएगा स्मॉल ए से. तो अगेन मैं वही बात फिर से कह सकता हूं क्या, कि कैपिटल ए का है ना, कैपिटल ए का जो साइन थीटा कॉम्पोनेंट है उसको क्या होना पड़ेगा, उसको स्मॉल ए के कॉस थीटा कॉम्पोनेंट के बराबर होना पड़ेगा. वरना क्या होगा, वरना ये दिक्कत आ जाएगी कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एबसेंट हो जाएगा, है ना. क्योंकि जिस रेट से वेज भाग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसी रेट से प्लैंक को भी उसका पीछा करना पड़ेगा इसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग. तो बच्चों अब समय आ गया है कि मैं फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाऊं. तो मेरे को एक्चुअली वेज के ना सिर्फ एक्स के अलोंग है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग फोर्सेस से मतलब है. तो मान लीजिए जो फोर्स, ये जो हमारे को स्लैब दिया था ना, क्या था ये था एक प्लैंक. तो ये प्लैंक जितना फोर्स लगा रहा है ना इस वेज पर, उसे मैंने कह दिया एन. तो अब देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूं, एन साइन थीटा हैज टू बी इक्वल टू, इसका मास है कैपिटल एम और एक्सेलरेशन मैंने माना था लेफ्ट की तरफ कैपिटल ए. तो एक इक्वेशन मेरे पास आ गई, एन साइन थीटा बराबर कैपिटल एम इंटू कैपिटल ए. ये कैसे आया, ये वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बना करके आया. अब मैं अगर प्लैंक की बात करूं, चलिए प्लैंक की बात करते हैं. तो ये देखिए बच्चों, मैंने स्मॉल एम मास के प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया. नीचे मैंने दिखाया एम जी फोर्स और लेफ्ट और राइट में है ना जो वेजेस थे उनकी वजह से मैंने नॉर्मल रिएक्शन दिखा दिया. तो अब आप देख पा रहे होंगे चूंकि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. तो इसका वर्टिकल के साथ एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया. तो अगर मैं इस पर लगने वाले वाई के अलोंग, मतलब वर्टिकल के अलोंग फोर्सेस की बात करूं, तो नीचे कितना लग रहा है एम जी, ऊपर कितना लग रहा है एन कॉस थीटा और एन कॉस थीटा, है ना. मतलब ये हो गया टू एन कॉस ऑफ थीटा. ये किसके बराबर आना चाहिए, स्मॉल एम इंटू स्मॉल ए के, क्योंकि मैंने इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माना स्मॉल ए, राइट. तो मेरे पास देखिए तीन इक्वेशन आ गई. एक तो ये वाली है ना जो अभी अभी मैंने निकाला, किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था इस प्लैंक का. इसके अलावा देखिए एक इक्वेशन मेरे पास ये थी कंस्ट्रेंट रिलेशन की, और एक और रिलेशन था मेरे पास एन साइन थीटा बराबर कैपिटल एम इंटू कैपिटल ए. तो चलिए इनका इस्तेमाल करके जवाब निकालते हैं. बच्चों ये ध्यान रहे कि हमें निकालना क्या है ना, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं सवाल करते करते कि निकालना क्या था. तो निकालना था इस बार अपने को एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक, मतलब कि स्मॉल ए. तो अपना पूरा फोकस लगा देंगे हम लोग स्मॉल ए निकालने के लिए. तो देखिए एक आइडिया मेरे को आ रहा है, वो ये है कि जो आखिरी वाली इक्वेशन है उसमें राइट साइड में ए है, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या है, कैपिटल एन है. तो मैं कैपिटल एन को अगर मैं स्मॉल ए के टर्म्स में लिख दूंगा, तो मेरे को एक रिलेशन आ जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ए रहेगा और उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी. तो चलिए एक काम करते हैं, कैपिटल एन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए. तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, अपने को निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक जो कि स्मॉल ए है.
अब स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए के टर्म्स में लाया जा सकता है ना इस ऊपर वाली इक्वेशन से, तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि कैपिटल ए कितना हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा ए कॉट थीटा। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग यहां पर पुट कर दे तो अपने को कैपिटल एन मिल जाएगा, है ना। कैपिटल एन यहां से कितना आ जाएगा, कैपिटल एन आ जाएगा कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए जो कि है स्मॉल ए कॉट थीटा, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे साइन थीटा से। तो बेसिकली कैपिटल एन कितना आ गया, कैपिटल एम इंटू स्मॉल ए इंटू कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए अपने पास जो है एक इक्वेशन आ गई कैपिटल एन की। अब हम लोग बड़े आराम से स्मॉल ए निकाल सकते हैं क्योंकि कैपिटल एन की वैल्यू अगर यहां पर पुट कर दें तो देखिए क्या बन जाएगी इक्वेशन, एम जी माइनस टू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एन जो कि है कैपिटल एम स्मॉल ए कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू स्मॉल ए, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, स्मॉल एम इंटू स्मॉल ए प्लस यहां से कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा टू टाइम्स कैपिटल एम स्मॉल ए। अब देखिए यहां पर एक और कॉट थीटा आ गया तो ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू जी, है ना। तो यहां से देखिए ए को कॉमन जैसे ही ले लेंगे हमारे पास जवाब आ जाएगा, वो आ जाएगा स्मॉल एम जी अपॉन स्मॉल एम प्लस टू टाइम्स कैपिटल एम कॉट स्क्वायर थीटा, और यही बच्चों हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, और यही हमारे को निकालना भी था। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ द रॉड ए एंड द वेज बी इन द अरेंजमेंट शोन, द मास ऑफ द रॉड इज स्मॉल एम एंड दैट ऑफ द वेज इज कैपिटल एम, द फ्रिक्शन बिटवीन ऑल कॉन्टैक्ट सर्फेसेस इज नेग्लिजिबल, मतलब हर जगह सर्फेस कैसा है, बिल्कुल स्मूथ है। तो देखिए बच्चों काफी सवाल हम लोगों ने ऐसे सॉल्व कर रखे हैं और ये वैसा ही एक सिंपल सा सवाल है। इस बार हमारे को क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो स्मॉल एम मास का ये जो रॉड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किधर जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ जा सकता है नीचे की तरफ, तो मैंने उसके एक्सेलरेशन को लेटर से स्मॉल ए कह दिया। अब हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो वेज है वो ऑब्वियसली किधर जा सकता है, टुवर्ड्स राइट जा सकता है ना, तो उसके एक्सेलरेशन को मैंने कैपिटल ए कह दिया। और हम लोग एक और डायरेक्शन देख सकते हैं यहां पर, जिस डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, राइट। तो उस डायरेक्शन के अलोंग हम लोग जानते हैं कि दोनों के एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। तो जैसे कि यहां पर एंगल कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, तो हमारे को समझ में आ गया कि ये एंगल भी अल्फा होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्मॉल ए कॉस अल्फा हैज टू बी इक्वल टू कैपिटल ए साइन अल्फा। क्लियर है ये बात। तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि ये है। अब हमसे पूछा क्या गया है, अगेन एक्सेलरेशंस पूछे गए, है ना, मतलब कि ये वन ऑफ द इक्वेशंस है जो काम आएगी। क्लियर है। तो अब चलिए बनाते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाह रहा हूं इस वेज का। तो जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और मैंने बाकी सारे फोर्सेस को नहीं शो करे, जैसे कि जो वेट है, जो नॉर्मल रिएक्शन जमीन से लग रहा है, वो सब मैंने नहीं शो किया क्योंकि आई एम बेसिकली कंसर्न विद द फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मुझे दिख रहा है यहां पर कि एन का साइन अल्फा जो है वो इसे राइट की तरफ धक्का दे रहा है, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा कैपिटल ए, है ना। तो एन साइन अल्फा बराबर मैंने लिख दिया कैपिटल एम इंटू कैपिटल ए। तो बच्चों अब देखिए मैंने यहां पर रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इस पर एक फोर्स मैंने नीचे की तरफ दिखाया दैट इज वेट, उसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करूं तो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना माना है, मैंने इसका एक्सेलरेशन माना है स्मॉल ए। तो मैं क्या लिख सकता हूं इक्वेशन, एम जी माइनस एन का कौन सा कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, कॉस अल्फा, है ना। तो एन कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू स्मॉल ए। तो आप देखिए इस बार फिर से अपने पास क्या आ गए, तीन इक्वेशंस आ गए और अननोन कितने हैं, तीन है, है ना। तीन अननोन कौन कौन से हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए और कैपिटल एन। तो देखिए बच्चों अपने को स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों निकालना है, तो एक काम करते हैं सबसे पहले अगर अपने को कैपिटल एन नहीं चाहिए तो उसको सीन से हटा देते हैं ना। जैसे कि कैपिटल एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल ए, कैपिटल ए इंटू कैपिटल एम अपॉन साइन ऑफ अल्फा। तो ये कैपिटल एन की वैल्यू को अगर मैं यहां पर भर दूं तो देखिए हमारे पास एक ये इक्वेशन आ जाएगी और एक ये इक्वेशन आ जाएगी जिसमें कैपिटल एन पाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन में सिर्फ कौन कौन से वेरिएबल रह जाएंगे, स्मॉल ए और कैपिटल ए।
तो बच्चों देखते हैं कि ये दूसरी इक्वेशन क्या बन जाती है। ये बन जाएगी mg माइनस कैपिटल n, के बदले में रख दूंगा कैपिटल m कैपिटल a अपॉन साइन ऑफ अल्फा, कॉस अल्फा ऑलरेडी है यहां पर एक, इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल a, है ना। लेकिन स्मॉल a को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कैपिटल a टैन अल्फा, है ना, ये पहली वाली इक्वेशन से। तो यहां से देखिए अब मेरे को कैपिटल a डायरेक्टली मिल जाएगा। कैपिटल a के लिए क्या करूंगा, इसे मैं राइट की तरफ ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा स्मॉल m tan ऑफ अल्फा प्लस कैपिटल m cot ऑफ अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू g, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, कैपिटल a की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल m स्मॉल g होल डिवाइडेड बाय कितने से, स्मॉल m tan ऑफ अल्फा प्लस कैपिटल m cot ऑफ अल्फा, और यही हो गया हमारा कैपिटल a। क्लियर है ये बात। तो अगर कैपिटल ए आ गया तो स्मॉल ए निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है कि ए कॉस अल्फा बराबर कैपिटल ए साइन अल्फा, मतलब स्मॉल ए कितना हो जाएगा कैपिटल ए टाइम्स टैन अल्फा। तो स्मॉल ए लिख देते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल ए टाइम्स टैन ऑफ अल्फा। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं डायरेक्टली आ जाएगा स्मॉल ए की वैल्यू आ जाएगी एम जी टैन ऑफ अल्फा, और इसको किससे डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग स्मॉल एम टैन अल्फा प्लस कैपिटल एम कॉट अल्फा से। तो आप देख पा रहे हो कि बड़े आराम से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया है। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज एंड द ब्लॉक इफ एन एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड एज शोन। और अपने को दिया क्या हुआ है कि बोथ द पुलीज एंड द स्ट्रिंग्स आर आइडियल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले केस वन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। चलिए तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने केस वन का फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिखाया है, है ना। यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि कैपिटल एम प्लस द टू पुलीज, इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हैं, है ना। तो क्यों यहां पर दोनों पुलीज को भी शामिल किया गया है और सिस्टम बना दिया गया है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ कैपिटल एम को दिखाता तो मुझे यह भी शो करना पड़ता कि कैपिटल एम के ऊपर पुली कितना फोर्स लगा रहा है। अब मैंने तीनों को इकट्ठे ले लिया तो मेरे लिए काम थोड़ा आसान हो गया। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एफ फोर्स लग रहा है ये एक्चुअली इस धागे को इस रस्सी को खींचा जा रहा है ना टूवर्ड्स लेफ्ट। अब ये देखिए आप कि यहां पर स्मॉल एम जो है ये ना स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक है ये तो एक्सटर्नल हो गया, तो अब इस स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन क्या रहेगा, टेंशन एफ रहेगा क्योंकि ये आइडियल स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक है ना उसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं यहां पर तो मैं कैसा दिखाऊंगा, यहां पर मैं दिखाऊंगा कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट जो कि कितने मैग्नीट्यूड का है कैपिटल एफ, है ना, क्योंकि टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू कैपिटल एफ। जिस फोर्स से आप धागे को खींच रहे हैं वही उसके अंदर का टेंशन बन जाएगा। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि उसी तरीके से बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ इस सिस्टम को राइट की तरफ खींचा जा रहा है धागे के द्वारा, है ना, बाय अ फोर्स कैपिटल एफ। तो आप देख पा रहे हैं कि ओवरऑल इस सिस्टम पर लेफ्ट की तरफ जितना फोर्स लग रहा है उतना ही राइट की तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब ये वेज प्लस द टू पुलीज इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आ सकता है। क्लियर है ये बात। अब अगर बात करें हम लोग स्मॉल एम मास वाले ब्लॉक की तो उस पर बिल्कुल लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है एफ, तो इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा एफ अपॉन स्मॉल एम। क्लियर है ये बात। तो चलिए बच्चों अब मैंने आपको दिखाया यहां पर फिर से सिस्टम वही लिया मैंने, है ना, वेज प्लस द टू पुलीज, लेकिन इस बार देखिए फोर्स अप्लाई जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो उस फोर्स को अगर मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक करूं तो एक लेफ्ट की तरफ आ जाएगा एफ कॉस थीटा, है ना, ये रहा, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा एफ साइन थीटा। और जैसा पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि एक फोर्स इधर भी लगेगा टुवर्ड्स राइट, है ना, जो कि ब्लॉक से अटैच जो स्ट्रिंग है वो उसे खींचेगी टुवर्ड्स राइट। क्लियर है ये बात। तो जिसकी वजह से इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि राइट की तरफ एफ लग रहा है लेकिन लेफ्ट की तरफ कितना लग रहा है एफ कॉस थीटा। इसका मतलब इस बार हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका मोशन एक्सेलरेटेड होगा, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स कितना है एफ माइनस एफ कॉस थीटा, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, कैपिटल एम से। इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग ब्लॉक को देखें तो ब्लॉक की कहानी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी पिछले बार थी, है ना, इसका मास स्मॉल एम है और इस पर फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, टेंशन का फोर्स लग रहा है। तो इस बार हम लोग समझ सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन फिर से क्या आ जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट एफ अपॉन स्मॉल एम। क्लियर है ये बात।
चलिए बच्चों, तो अब बात करते हैं केस थ्री की, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ, है ना, लेकिन ये लग रहा है किस डायरेक्शन में, ये लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो वही यहां पर दिखाया गया है। तो ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल एफ लग रहा है, ये तो बस क्या करना चाह रहा है, इसे नीचे की तरफ प्रेस करना चाह रहा है, जिसके कारण एक्स के लॉन्ग इस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से एक्स के लॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखिए यहां पर, है ना, ब्लॉक से अटैच जो यहां पर जो धागा है, यहां पर तो टेंशन रहेगा ना, जिसकी वजह से इस पूरे सिस्टम को टुवर्ड्स राइट खींचा जा रहा है विद अ फोर्स कैपिटल एफ, ठीक है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इस बार भी एक्सेलरेशन आएगा, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आएगा, और किस कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बराबर एफ अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो उसकी कहानी फिर से केस वन और केस टू जैसी ही हो जाएगी, इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा और वो कितना होगा, एफ अपॉन स्मॉल एम, क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है, इन द गिवन फिगर एम स्लाइड्स ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ वेज कैपिटल एम, इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेज एट एनी इंस्टेंट बी वी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बच्चों यहां पर जो कैपिटल एम है ना, ये जो कैपिटल एम मास का जो वेज है, ये सिंपल मोशन कर रहा है, ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है, और लेट अस से कि इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड इस मोमेंट पर वी है, ठीक है। अब ये जो स्मॉल एम है ना, उसका मोशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि अगर वेज यहां पर स्थिर रहता, बिल्कुल रुका हुआ रहता, तब तो बड़ा सिंपल था स्मॉल एम का मोशन, वो सिंपली डाउन द इंक्लाइन जाता। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ये जो वेज है ये भी आगे जा रहा है, जिसकी वजह से स्मॉल एम सिर्फ और सिर्फ डाउन द इंक्लाइन नहीं जाएगा, उसके वेलोसिटी का एक कॉम्पोनेंट आगे की तरफ भी होगा, क्लियर है ये बात। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक बार मैं और आपको बता देता हूं कि अगर मैं वेज पर बैठ करके स्मॉल एम को एनालाइज करूं तो मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू वेज, है ना, ये मैं क्या बोल दूंगा, ये बोल दूंगा वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज। तो ये जो स्टेटमेंट आया है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये बताना क्या चाह रहा है अपने को। ये एक्चुअली बताना चाह रहा है कि आपने अगर वेज के नजरिए से इसे देखा तो आपको इसकी वेलोसिटी कुछ डाउन द इंक्लाइन दिखेगी, लेकिन आप खुद भी तो आगे जा रहे हैं, है ना, तो आपको इसमें एक वेलोसिटी ये भी ऐड करनी होगी, क्लियर है। मतलब वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम वो क्या आ जाएगा, वेज के नजरिए से जो वेलोसिटी आ रही है उसमें और वेलोसिटी वेक्टर कौन सा ऐड करना होगा, वेलोसिटी ऑफ वेज। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग यहां पर, है ना, पुली के ऊपर बैठ जाते हैं। अब पुली जो है वो इस कैपिटल एम से अटैच्ड है, तो वो भी आगे की तरफ जा रहा है। अब अगर मैं पुली पर बैठ करके, है ना, अगर इस स्मॉल एम को देखूंगा तो मुझे क्या समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगेगा कि स्मॉल एम इस डायरेक्शन में जा रहा है, डाउन द इंक्लाइन जा रहा है, मुझे तो ऐसा ही दिखाई देगा क्योंकि मैं तो इंक्लाइन पर बैठ चुका हूं। और मुझे साथ ही साथ अगर मैं ये कहूं कि उस मोमेंट पर मेरे और इस दीवार के बीच में दूरी वाई है और मेरे और ब्लॉक के बीच में दूरी एक्स है, तो जिस रेट से, है ना, जिस रेट से ये वाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसी रेट से मैं कहूंगा कि एक्स बढ़ रहा है, क्योंकि रस्सी की लेंथ तो फिक्स है। तो मुझे जिस रेट से ये वाई घटता हुआ दिखाई देगा उसी रेट से ये एक्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्लियर है ये बात। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। मैं सारी बातें किसके नजरिए से कर रहा हूं, अपने नजरिए से, जब मैं इस पुली के ऊपर बैठा हूं। अब मैं क्या लिखूंगा, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है ये बात। अब डी वाई बाई डी टी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी। अब लेकिन सवाल में क्या दे रखा है कि ये जो वेज है ये दीवार की तरफ किस रेट से जा रहा है, वी स्पीड से जा रहा है। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी टी जो है वो माइनस वी है। माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि वी अपने को स्पीड दे रखा है और वाई जो है वो वक्त के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालू, है ना, तो डी वाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा v, क्लियर है। तो बेसिकली मैंने क्या यूज करा कि माइनस ऑफ डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू v, तो वहां से क्या आ गया, ये आ गया डी वाई बाई डी टी बराबर माइनस v, क्योंकि अगर डी वाई बाई डी टी नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी तो क्या रहना पड़ेगा, नेगेटिव रहना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर।
अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, v है ना, इस रेट से बढ़ रहा है। तो बच्चों अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मेरे नजरिए से ये जो ब्लॉक है ये डाउन द इंक्लाइन किस रेट से जा रहा है, v से जा रहा है ना, क्योंकि x का रेट ऑफ चेंज क्या है, पॉजिटिव v है, प्लस v है ना ये। तो मेरे नजरिए से ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है, v है ना, स्पीड v है और उसकी डायरेक्शन डाउन द इंक्लाइन है। तो अब मैं वही यूज करूंगा जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था, क्या कहा था, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m है ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए यहां पर मेरे को ये दिख रहा है कि इसके पास दो दो वेलोसिटीज आ गई है ना, ब्लॉक के पास अब दो दो वेलोसिटीज हो गई, एक तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू वेज जो कि v है मैग्नीट्यूड वाइज, और एक और है वेलोसिटी ऑफ वेज जो कि टूवर्ड्स राइट है, तो मैं यहां लिख दूंगा। अब मुझे बेसिकली इन दोनों वेक्टर्स का क्या करना है, रिजल्टेंट लेना है ना। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v i कैप, उसमें से क्या घटा देंगे, v cos 60 डिग्री i कैप है ना, क्योंकि इस v का नेगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग एक कॉम्पोनेंट है। अब इसमें और क्या जोड़ देंगे, प्लस v sin 60 डिग्री, और डायरेक्शन में क्या बोल दूंगा, माइनस जे कैप। आपको मैं बता दूं कि मैंने क्या सिस्टम चुना है, मैंने इसे पॉजिटिव एक्स कहा है और इसे पॉजिटिव वाई कहा है। तो यहां से देखिए वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम कितना आ गया, वो आ जाएगा वी माइनस वी कॉस 60 हो जाएगा वी बाई टू, तो वी माइनस वी बाई टू आई कैप, और दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस रूट थ्री बाई टू इंटू वी जे कैप। क्लियर है ये बात? तो ये आ गया हमारे पास फाइनली वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m वेक्टर बराबर v by 2 i cap माइनस रूट 3 v by 2 j cap। मतलब आप देखिए कि ये कैसा मोशन कर रहा है, ये i cap के अलोंग भी मोशन कर रहा है और j cap के अलोंग भी मोशन कर रहा है ना, इनफैक्ट माइनस j cap के अलोंग मोशन कर रहा है। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालू तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, vm वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ v by 2 का स्क्वायर प्लस रूट थ्री वी बाय टू का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय फोर प्लस थ्री वी स्क्वायर बाय फोर का रूट। तो ये तो हो जाएगा सिंपली वी। तो इसका मतलब कि स्पीड ऑफ द ब्लॉक वो कितना है, वो वी है। ऑल राइट तो यही बच्चों हो गया हमारा फाइनल आंसर, और इसी के साथ हम लोगों ने ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म कर दिया है ना। आई होप बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आए तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।